जाते हैं। ये मुंह में कोई भी दांत में ऐसा हो सकता है, लेकिन खासकर हमको दिक्कतें हमारे अक्कल वाले दांत से ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे दांत हड्डी के अंदर ही रह जाती है, उसे जगह नहीं मिलता है या किसी और कारणवश वो बाहर नहीं आ पाते हैं। ये मुंह में कोई भी दांत में ऐसा हो सकता है, लेकिन खासकर हमको दिक्कतें हमारे अक्कल वाले दांत से ही होता है। मुंह में कहीं पे भी कोई दांत में होता है तो हमारा अगर वो निकलने का चांस है उसको, तो चीरा लगा के उसको निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन अक्कल वाले दांत में जगह बहुत कम होता है। तो अगर ये मतलब दिक्कत करता है हमें हमेशा, यानी कि महीने में एक दो बार हमेशा दिक्कत रहती है, सूजन आती है, खाने में दिक्कत होती है, तब इसको हम निकाल देते हैं। ये एक ऑपरेशन के ज़रिए निकालना पड़ता है। सबसे पहले एक्सरे वगैरह किया जाता है जिसमें इसके एंगुलेशन और पोजीशन के बारे में पता लगती है। उस हिसाब से प्लान करके चीरा लगा के कभी कभी हड्डी भी काटना पड़ता है, काट के इसको निकाल के टाँका लगा दिया जाता है और आपकी समस्याएं दूर हो जाती है। ये ज़्यादा देर का प्रोसीजर नहीं है, एक डेढ़ घंटे में सही हो जाता है और कोई दिक्कत भी ज़्यादा नहीं होता है। आपको पूरी तरह के सुन करके किया जाता है ताकि आपको दर्द वगैरह की महसूस ना हो। अक्कल वाले दांत हमें 18 साल के बाद ही हमारे मुंह में आता है, इसलिए ये सारी दिक्कतें 18 साल के बाद ही होती है। यूजुअली 18 और 35 के बीच में ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं।